बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। और आप लोगों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज बकरीद स्पेशल हम डिश बना रहे हैं कि बकरीद में बच्चे क्या है, गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना, तो उन्हें कुछ डिफरेंट तरीके से अलग अलग चीज़ें बना के अगर खिलाएं तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं मटन का कीमा, हमने ले लिया है 250 ग्राम। इसके कटलेट्स बनाएंगे। जी हाँ, चिकन के तो कटलेट्स हम लोग ने बहुत से खाए हैं, तो इस तरह से मटन के भी आप बनाएं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आप मटन के छोटी छोटी बोटियाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मोटा दरदरा सा कीमा ले लिया था कुटवा के। तो ये हमारा मटन का कीमा 250 ग्राम है। इसको अच्छे से हमने धो के इसका पानी पूरा खुश्क कर लिया है। अब कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। अब इसमें हमें ये कीमा ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे फास्ट फ्लेम पे ही। ये देखिए, कीमे में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका जो पानी निकलेगा, खुद जो गोश्त का पानी रहता है, उसी पानी में हमें इसे पकाना है। तो इसे देखिए इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुटी हुई हरी मिर्चें हमने कूट के रखा था, वो डाल देंगे 1 टेबल स्पून। जितना तेज़ आप जिस तरह से चटपटा खाते हो उस हिसाब से डालें। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे, इसीलिए अभी कम ऐड कर रहे हैं। और इसमें डाल देंगे काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। तो ये देखिए, हाफ टेबल स्पून हमने काली मिर्च की भी ली है। इसको ऐड करके बस हम सीटी लगा देंगे इसमें, 2 से 4 सीटियाँ लगा लें कि ये हाफ डन हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। 4 से 5 सीटी ले लेंगे, जिससे हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाएगा। जो आप गोश्त की बोटियों से अगर बना रहे हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, इतना हमें गलाना है इसे। तो चलिए इसे गल जाने देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए, कीमा हमारा पक चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस अभी हल्का सा जो इसमें पानी है इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। अभी फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और थोड़ा सा इसे हम मैश कर लेंगे इस तरह से, कि कीमा तो हमारा गल चुका है, हल्का सा मैश कर देंगे तो इसके रेशे से हल्के से बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, 4 आलू हमने उबाल के रख लिए थे और इस तरह से इसे मैश कर लिया है। बहुत अच्छे से इसे हमने मैश करा हुआ है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कीमा, जो हमने एक बार इसे हमने मिक्सर में चला लिया, क्योंकि मैशर से वो बारीक नहीं हो रहा था। और देखिए, चलाने से मिक्सर में ये कितना अच्छे से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इसके बारीक हो गया है। तो इसे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। जो हमने मिर्चें कूट के रखी थी उसको भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टेबल स्पून, जितना स्पाइसी आप खाते हैं उसी तरह से बनाएं। हमारे यहाँ स्पाइसी ही पसंद करा जाता है, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा। ये देखिए, छोटी चम्मच है, इसे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और डाल देंगे। ये सब मसाले ऐड करने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर जो रहता है वो बहुत उठ के आता है। चिली फ्लेक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी दरदरी सी कूट के डालिएगा, ये थोड़ा बारीक ज़्यादा है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे ओरिगानो। ओरिगानो डालने से भी इससे टेस्ट में बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ले लिया था शिमला मिर्च एक, उसको इस तरह से चॉप करके रख लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया बारीक काट के रखा है, इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें हाफ टेबल स्पून हमने कीमे के साथ भी डाल के रखा था, तो अभी इसमें
वन टेबल स्पून और नमक जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि आलुओं में बिल्कुल नमक नहीं है तो थोड़ा इसमें जाएगा नमक। अभी थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। देखिए मिर्चें यहाँ पे हमने कुटी लाल मिर्च भी डाली है और मिर्च पाउडर भी डाला है और हरी मिर्ची कुटी हुई डाली है, तो ये स्पाइसी बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। तो आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो तेज़ उतना ही डालें। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अदरक लहसुन तो हमने पहले ही पकाने में कीमे के साथ डाल के रखा था, तो उसका भी फ्लेवर इसमें आ रहा है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जहाँ पे आलू थोड़े से रह गए हैं, मैश नहीं हुए हैं, उन्हें भी इस तरह से मैश कर लेना है। सब अच्छे से मिला लेंगे जिससे सारा फ्लेवर मसालों का कीमे में और आलू में आ जाए। इस तरह से बना के बच्चों को देंगे तो वो पाव के साथ, या तो मुंबई में पाव बहुत मिलता है, पाव के साथ खाना पसंद करते हैं, और अगर आपके इधर पाव नहीं है तो आप ब्रेड ले ले, ब्रेड से बच्चे स्नैक्स बना के इसको खा सकते हैं। आप बर्गर भी इसका बना सकते हैं, ये टिक्कियाँ आप फ्राई करके रख लें और इसे इजली बर्गर भी आप बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से, कबाब जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से हमें इसका कबाब की टिक्की बोल ले या आप कटलेट्स की टिक्की बोल ले वैसे ही बनाना है। अगर आप शेप अगर अलग देना चाहते हैं तो ओरल शेप भी इसमें दे सकते हैं, वैसे ये गोल शेप में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से गोल गोल टिक्की हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखें टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं, और अभी हम दो अंडे ले लेंगे और इसे इसमें फेंट लेंगे। यहाँ पे दो अंडे हमने फोड़ लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे कुटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने सिवई ले ली है, तो कटलेट्स में सिवई की कोटिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे कुरकुरे क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास सिवई नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स जो रहते हैं उनमें भी कर सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है घर पे मौजूद तो आप खाली अंडा भी लगा के इसे फ्राई कर सकते हैं और बहुत ही टेस्ट आता है उससे भी, और इसे भी लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर सिवई है इस तरह से बारीक सिवई लगाइएगा तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम अंडे में इसे डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छे से अंडे से कोट कर लेंगे, फिर इसमें एक एक करके सिवई पे डालेंगे और इसे इस तरह से ढक देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा कटलेट्स इस तरह से कोट हो जाएगा, और ये फ्राई भी जब करेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा गोल्डन, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इस तरह से हम पहले से लगा के सब रख लेते हैं, फिर उसके बाद फ्राई करके दिखाते हैं। इस तरह से इसे डाल के बस सिवई के ऊपर हमें इसे ढक देना है सिवई से।
यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सिवई लगा के कटलेट्स को तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करने जा रहे हैं, तो फ्राई करने किस तरह से करेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमने गरम कर लिया है। ऑयल देखिए हमारा ज़्यादा गरम हो गया है, तो इसे थोड़ा सा हल्का अब लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसमें एक एक कटलेट्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करना है। ऑयल आप देख रहे हैं कितना हमने लिया है, तो इसे हमें सैलो ही फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फ्लेम को हमने फुल कर दिया है क्योंकि ऑयल हमारा ठंडा हो चुका था। एक तरफ से हो जाएंगे ये ब्राउन, तो इनकी हम साइडें चेंज कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं और देख सकते हैं आप कितने अच्छे मज़ेदार बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और दूसरी बैच भी हमने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। ये देखिए इसी तरह हमें सेलो फ्राई करना है और एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तब इनकी साइडें चेंज कर देंगे। तो आप भी इस ईद उल अज़हा में इस तरह से मटन के कटलेट्स बना के देखें, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।